मेरे साथी जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जमाल खान मंदोखेल चीफ जस्टिस ऑफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट जजेस बलूचिस्तान हाई कोर्ट एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान प्रोसिक्यूटर जनरल बलूचिस्तान कामरान मुर्तजा साहब वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और बाकी ऑफिस बेयरर्स ऑफ बार एसोसिएशन मेरे बार के मेंबरान और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के मेंबरान अस्सलाम वालेकुम। आज की तकरीब कुछ कामरान साहब ने गरम कर दी है और काफ़ी सारी फहरिस्त अपने मसाइल की पेश किए उन्होंने और अगर मैं उसका ही जवाब देने लगूं तो वक्त काफ़ी निकल जाएगा इसमें, तो लिहाजा मैं अपना बयानिया इसी तरह से शुरू करता हूं जैसे उनके सवालात का जवाब देता हूं। उन्होंने सबसे पहले एओआर का इनरोलमेंट के बारे में बात की, ये दुरुस्त है कि इन्होंने इसका ज़िक्र मुझसे किया और मैं समझता हूं ये ज़िक्र उन्होंने मुझसे कल ही किया था, तो मैंने इनसे कहा कि हम इस्लामाबाद जाते ही इस मामले को टेकअप करेंगे और आपके जितने भी एओआर के इनरोलमेंट के लिए दरख्वास्तें पड़ी हुई हैं उनको एग्जामिन करेंगे और उसके ऊपर फौरन फैसला करेंगे और जितने से ज़्यादा एओआर आपके इनरोल हो सकते हैं उनको हम क्वेटा के अंदर इनरोल करेंगे। सिमिलरली इनरोलमेंट ऑफ द एडवोकेट्स इन सुप्रीम कोर्ट, आप कहते हैं 50 दरख्वास्तें उसके लिए पेंडिंग हैं, मैं कहता हूँ जितनी भी दरख्वास्तें पेंडिंग होंगी हम उन दरख्वास्तों को पहली फुर्सत में ले लेंगे, या तो इनरोलमेंट कमेटी को हम क्वेटा आने को कहेंगे, दरख्वास्त करेंगे उनको, अगर किसी वजह से वो क्वेटा नहीं आ सके तो उन कराची में या इस्लामाबाद में उनका इनरोलमेंट का मामला जल्द से जल्द कर देंगे, तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। और ये इनरोलमेंट की पेंडेंसी की वजह और जो वक्त इसमें लगा है इसमें सबसे ज़्यादा इसकी वजह कोविड और ये कोरोना वायरस है, इसकी वजह से इनरोलमेंट कमेटी अपना यहाँ पे जो आने का उनका प्रोग्राम था वो उसको कैंसिल करना पड़ा। फिर आपने मुकदमों की पेंडेंसी की बात की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, यकीनन मुकदमों की पेंडेंसी सुप्रीम कोर्ट में है और पुराने केसेस भी हैं जिसमें 2013 के भी हैं, 14 के भी हैं, 15 के भी हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये पेंडेंसी जल्द से जल्द कम से कम हो जाए, इसमें हमें वकला का बड़ा ताबुन चाहिए होगा और अभी तक जो हम यहाँ पे अदालत चला रहे हैं उसमें भरपूर वकीलों का हमारे साथ ताबुन है और हम अपना बोर्ड पूरा का पूरा मुकम्मल तौर पे उस दिन डिसाइड कर देते हैं, कोई केस हमारा एडजर्न होने नहीं देते, बस सिवाय उसके कि जहाँ बहुत ही शिद्दत से एडजर्नमेंट की दरख्वास्त आती है, अदरवाइज़ हम केस एडजर्न नहीं करते हैं, उसका फैसला उसी दिन कर देते हैं। वीडियो लिंक की फैसिलिटी बहुत अच्छी है और वीडियो लिंक से हम मुस्तकिल इस्लामाबाद में बैठ के क्वेटा के केसेस सुनते हैं, उसके लिए पूरा पूरा दिन मुख्तस करते हैं और पूरा सारा दिन क्वेटा के केसेस सुनते हैं और उनको हम उसी दिन डिसाइड कर देते हैं। इसी तरह से मैं समझता हूं कि अगर यही रफ्तार क्वेटा के मुकदमों की सुनने की रही तो अनकरीब क्वेटा में सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडेंसी ख़त्म ही हो जाएगी। फिक्सेशन का मामला है, फिक्सेशन के मामलात मेरे पास रोज़ पेश होते हैं और जो भी अर्जेंट एप्लीकेशन आती है बलूचिस्तान से क्वेटा से वो एप्लीकेशन इनवेरिएबली मैं अलाउ कर देता हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि अर्जेंसी की एप्लीकेशन क्वेटा से आई हो और उसको अलाउ नहीं किया। आज ये एक एप्लीकेशन आई थी कि मेरा केस कल टेकअप कर लें, मैंने उस एप्लीकेशन को ग्रांट कर दिया, वो केस कल लग गया। इसी तरह से सारे मुकदमे जितने जो भी अर्जेंट हियरिंग के लिए आते हैं उसमें उन सब दरख्वास्तों को अलाउ कर दिया जाता है, उसी हफ्ते में सुन लिया जाता है, नेक्स्ट डे सुन लिया जाता है या नेक्स्ट मंथ में सुन लिया जाता है, डिपेंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ द केस। तो ये भी
आपका मुतालबा जो है वो हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है इसमें, और हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम बलूचिस्तान के केसेस जल्द से जल्द सुने और उनको निपटाएं। 5 वैकेंसीज़ की जहाँ तक बात की है, जनाब चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने उसका जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अभी फ़िलहाल इन 5 वैकेंसियों को भरने की ये ज़रूरत महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि 2 बेंचेस आपकी, एक लोरालाई में है और एक खुसदार में है, वो बेंचेस अभी चल नहीं रही, वहाँ पे काम नहीं है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पे सहूलियात नहीं है, सारी बार भी पॉसिबली ज़्यादा अवेलेबल नहीं है वहाँ पे, तो इस वजह से इन्होंने उसको महसूस नहीं करते हैं। बहरहाल मैं इनसे ज़रूर इस मसले के ऊपर बात करूँगा जनाब चीफ जस्टिस साहब से, और कोशिश करेंगे कि ये भी आपकी जो मुतालबा है इसको भी हम जल्द से जल्द पूरा कर दें, और ये 5 वैकेंसीज भी आपके यहाँ मुकम्मल हो जाए। फिर बात आती है मिसिंग पर्सन्स की। आर्टिकल 4, आर्टिकल 9 और आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आवाम की बुनियादी हकूक की महाफिज है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम हमेशा इस बात का बहुत एहतमाल करते हैं, और जब भी कोई बुनियादी हकूक के ऊपर कोई हमला होता है हुकूमती इदारे से की तरफ से और उसकी अर्जी हमारे सामने आती है, तो हम उसका हम सदबाब निकालते हैं और उस मसले को हल करने की पूरी कोशिश करते हैं। मिसिंग पर्सन का मामला बेहद गंभीर है हमारे मुल्क के अंदर, और ये सिर्फ बलूचिस्तान का नहीं है, कामरान मुर्तजा साहब ने भी इस बात को माना है कि ये पूरे मुल्क का मसला है। इसमें हमारी कोर्ट ने, हाई कोर्ट्स ने मुल्क के अंदर जितनी हैं बहुत काम किया है, कमीशन भी कायम हुआ है मिसिंग पर्सन का, और इसके इस हमारी काबिशों अदालती काबिशों की वजह से काफ़ी मिसिंग पर्सन जो है ना बरामद हो चुके हैं और उनको अपने अपने घर पहुंचा दिया गया। अभी भी काफ़ी लोग मिसिंग पर्सन में हैं, कल हमारे सामने ये मुकदमा लगा हुआ है और हम इसकी पैरवी करेंगे इंशाल्लाह और अपना फैसला उसके ऊपर सादिर करेंगे। इस मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, अदालत कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी, लोगों के हकूक किसी तरह से भी बुनियादी हकूक सलब होने नहीं देंगे, लोगों को मिसिंग होने नहीं देंगे, अगर हुए तो हम अपना किरदार इसमें अदा करेंगे। हयात बलोच साहब की बात करी है आपने, यकीनन बड़ा अफसोस वाकया, बड़ा अफसोसनाक वाकया था, पर पता नहीं कोई इसका कोई सदबाब हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या उसका अभी नेचर ऑफ केस है, अभी उसका इतना ज़्यादा मुझे इल्म नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता चला था कि कोई सेटलमेंट फैमिली के साथ हुआ है, हैं? चालान सबमिट हो चुका, चलें काकर साहब बता रहे हैं चालान सबमिट हो चुका है, लेकिन पता नहीं मेरे को ये भी सुनने में आया था जब मैंने पूछा था कि भाई इस मामले के अंदर क्या हुआ है, तो उन्होंने बोला साहब उनकी फैमिली के साथ हम से कुछ सेटलमेंट हो गया है। आई डोंट नो ये बात कहाँ तक सही है कि नहीं है, बहरहाल ये चालान सबमिट हो गया, मुकदमा अपनी जगह पे चलेगा, हम भी अपनी तरफ से मालूमात करेंगे मजीद कि इसमें क्या और मजीद किया जा सकता है। कामरान मुर्तजा साहब ने बात की कि बलूचिस्तान के लोगों की इंसल्ट होती है, ये तो ऐसी बात हो गई जैसे मेरी इंसल्ट होती है, ये तो हम कभी भी नहीं किसी के अपने अवाम के साथ होने देंगे, किसी इदारे को हम अपने अवाम के साथ इंसल्ट करने नहीं देंगे किसी का भी, ये तो एक मुल्क के अंदर एक बुनियादी जो काम है, लोगों की अपनी इज्जत नफ्स बहुत अजीज़ होती है और उस इज्जत नफ्स को हमेशा हमेशा के लिए प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, उसको उसके साथ कभी कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए लोगों के साथ जिससे उनकी इज्जत नफ्स पे कोई हरफ आए, अगर ऐसी कोई बात होती है तो मैं उसको तहे दिल से कंडेम करता हूँ और नहायत दर्दनाक बात है कि अगर किसी के साथ ऐसा कोई होता है,
और कोई ऐसा उज़र हमारे सामने आएगा ये तो हम उसको ज़रूर उसको देखेंगे और उसमें जो भी अदालती मामलात के अंदर हम कर सकेंगे ज़रूर करेंगे। ये बात कभी भी नहीं होनी चाहिए कि किसी भी फैक्शन ऑफ मुल्क के किसी भी आवाम लोग को ये उज़र हो के हमारे साथ सही तरह से बिहेव नहीं किया जाता, ऐसा नहीं होने देंगे। अच्छा, आपने कहा कि मैंने कोई इंटरफेरेंस है, सच हमारी अदालत के मामले में कुछ नहीं है। वो एक स्टेटमेंट मैंने दिया था जब हमारा जुडिशियल न्यू ईयर शुरू हुआ था कि अदालत अपना इंडिपेंडेंटली काम करती है और किसी किस्म का इंटरफेरेंस होने नहीं देती है, ना हुआ है मेरे सामने ना कभी होने देंगे। इस बात से आप बिल्कुल मुतमईन हैं कि हमारे मामलात में कोई इंटरफेरेंस नहीं है। पानी की बात की, पानी का मुकदमा आज मैंने चलाया, उसके अंदर बहुत सारी बातें सुनी हमने। 700 डैम बलूचिस्तान के अंदर बनाए हैं फॉर रिचार्जिंग ऑफ वाटर रिजर्व सॉइल सब सॉइल वाटर। 100 डैम का प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें 40 डैम ऑलरेडी बन चुके हैं और बाकी 60 डैम बन रहे हैं और वो जल्द तकमील पे आ जाएंगे। 5 बड़े डैम आपके यहाँ बन रहे हैं, 5 बड़े डैम, और वो इतना पानी ज़खीरा कर लेंगे जैसे हमें आज बताया गया, जिससे बलूचिस्तान की काफ़ी हद तक पीने की पानी की ज़रूरत और बाकी जो पानी की ज़रूरत होती है यहाँ पे बलूचिस्तान के अंदर वो मुकम्मल तौर पे तो ख़त्म नहीं होगी लेकिन बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगी। मेरे जहन में इसके अंदर और भी एक प्रपोज़ल आया था कि गवादर के अंदर बड़ी पानी की शॉर्टेज होती है, कमी होती है, तो वहाँ पे आरओ प्लांट्स का मैंने ज़िक्र किया था, तो वो आरओ प्लांट्स के बारे में पता चला कुछ लगे हैं लेकिन वो ऑपरेशनल नहीं हुए। हम इस बात को देखेंगे कि वो आरओ प्लांट्स भी ऑपरेशनल हों और गवादर और उससे जो नज़दीकी इलाके हैं उनको वहाँ का पानी मिले और कसरत से मिले, तो ये कमी कभी नहीं होंगे। तो ऑल इन ऑल यही बातें हैं सारी, और जहाँ तक बाहर की डिमांड का ताल्लुक है हम कोशिश करेंगे कि बाहर की हर किस्म की डिमांड पूरी हो। बाहर और बेंच में एक ही इदारा समझता हूँ, अगर बाहर की कोई डिमांड होगी ऐसे ही होगा जैसे बेंच की डिमांड है, अगर बेंच की कोई डिमांड है वो ऐसे ही होगी जैसे बाहर की डिमांड बाहर के ऊपर डिमांड है। तो ये एक ही इदारे होने की हैसियत से हम मिल बैठ के आए दिन बैठते हैं, अपने मामला डिस्कस करते हैं, उनको तय करते हैं और कुछ असलूबी के साथ मुकदमे भी चलाते हैं, अदालती अमूर भी चलाते हैं, वकला की जो भी मसाइल होते हैं उनको एड्रेस करते हैं। तो आइनी हुकूक बलूचिस्तान के हमेशा अजीज़ हैं, बलूचिस्तान के रहने वालों के लिए हमेशा अजीज़ हैं और उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। हमारी अदालत हमेशा अरावल दस्ते की तरह, हमारी अदालत हमेशा उनको हिफाजत करेगी, उसकी मुहाफिज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम करेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।